अस्सलामुअलैकुम, नानीज हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बालूशाही मिठाई। ये हर जगह बिकती है मिठाई। इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत ही मज़ेदार होती है ये मिठाई। ये मैदा है 2 कप, इसका 1 कप से 2 कप मैदा लिए मैं, 1 कप से 2 कप। ये मैदे में ही बनता है, मैदे से ही अच्छा होता है। इसमें 1/4 कप घी डालो। इसमें अब मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी, 1/4 चम्मच, 1 चुटकी नमक, घी डालूंगा। घी से ही कलाना चाहिए, चाहे तो आप तेल में तल सकते हैं, मगर घी में ही इसको मिलाना चाहिए। ऐसे ऐसे सिर्फ हाथ से ऐसा मिलाना चाहिए, डोग नहीं बनाना इसको। हल्के ऐसा हाथ से, हल्के हाथ से ऐसा एकदम नाइस नाइस का ये ऐसा रहना चाहिए। अभी हम इसको रख देंगे, तब तक हम शीरा बनाएंगे। 1 गिलास पानी लेके उसमें 2 किलो थोड़ा गाढ़ा होता है, फिर शक्कर गुली तक इसको पकाएं। शीरा इस तरह से बनाएंगे, ऐसा रहना चाहिए शीरा, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, ऐसा कम होना चाहिए। शक्कर नहीं जमने उसको 1/2 नींबू का रस डालें। देखिए इस पर ऐसा जाल आना चाहिए, इसी जाल इसको 2-3 टाइम ऐसा एक दूसरे को, पेड़ा लेंगे इसको हथेली से ऐसा दबाए। फिर इसमें मेरे पास ऐसा ये है चाकू, कढ़ाई में तेल डाली हूँ। तेल थोड़ा इतना गर्म नहीं रहना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर रहना चाहिए। पूरे डाल देंगे, बड़ी कढ़ाई रखेंगे इसमें पूरे आ जाते हैं। देखिए ये इस तरह से लाल होना चाहिए, स्लो आंच पर इसको पकना चाहिए। अब हम इसे शीरे में डालेंगे।
चार मिनट तक सामने, चार मिनट पीछे। लीजिए तैयार हो गया, इसको हम पिस्ते से गार्निश करेंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क रहा तो वो भी लगा के गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों में तैयार होता है ये, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए। मुझे दुआओं में याद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए, आपको नई नई मेरी रेसिपी मिल जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।